हेलो लर्नर्स, आई एम विनीता पंत फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, हल्द्वानी. एंड द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टुडे इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, विच इज़ इन शॉर्ट नोन एज CBT. हिंदी में हम इसे संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के नाम से जानते हैं. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इट्स मीनिंग एंड नेचर, ABC मॉडल ऑफ CBT, कैरेक्टरिस्टिक्स, गोल्स, टाइप्स एंड सम ऑफ द टेक्निक्स. So first of all, let's start with brief history. Cognitive revolution in psychology was started in 1960, but CBT was officially introduced in 1970s. Psychology में बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र आए, जैसे व्यवहारात्मक मनोविज्ञान आया, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान आया. तो ये जो संज्ञानात्मक revolution जब आया वो 1960 में start हो चुका था, लेकिन जो CBT एक एज अ थेरेपी इंट्रोड्यूस हुई वो 1970 में हुई थी. एंड बेक एंड एलिस आर टू इम्पॉर्टेंट नेम्स एसोसिएटेड विद CBT. एरॉन बेक इन हिज रिसर्च फाउंड दैट डिप्रेशन पेशेंट्स हैड अ नेगेटिव बायस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ सर्टेन लाइफ इवेंट्स विच कंट्रीब्यूटेड टू देयर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन. एंड बेक कॉल इट कॉग्निटिव थेरेपी बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेस ऑफ थिंकिंग इन इंटरप्रेटिंग द इवेंट्स ऑफ लाइफ. So CBT is a form of psychotherapy that emphasizes the important role of thinking in how we feel and what we do. It is also known as cognitive behavior therapy because of the therapy it involves employs behavioral techniques as well. So the cognitive behavior approach is based on assumptions that anxiety, depression and negative emotions develop from maladaptive thought processes. सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि CBT यानी संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा यह मानती है कि हमारे जितने भी मैल अडेप्टिव थॉट्स या हमारे विचारों में जो भी नकारात्मकता आती है, जो भी परेशानियां आती है हमारे व्यवहार में, वो हमारे गलत संज्ञान और उस संज्ञान से डेवलप होने वाले जो हमारे थॉट्स होते हैं उनकी वजह से आती है. और अगर हम व्यवहारात्मक तकनीकों से उन विचारों में परिवर्तन करते हैं, उन संज्ञान में परिवर्तन करते हैं, तो हमारा जो दिक्कतें हैं, व्यवहारात्मक जो परेशानियां हैं, वो दूर हो सकती हैं. इट शेयर्स 3 फंडामेंटल प्रपोजिशंस. फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव एक्टिविटी अफेक्ट बिहेवियर. कॉग्निटिव एक्टिविटी मे बी अल्टर्ड एंड मॉनिटर्ड एंड डिजायर्ड बिहेवियर चेंज मे बी इफेक्टिव थ्रू कॉग्निटिव चेंज. सो बेक्स अप्रोच बिकम नोन फॉर इट्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू वैरायटी ऑफ साइकियाट्रिक एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स. बेसिकली इट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस सिचुएशंस. इट वर्क्स ऑन अ ABC मॉडल वेयर ए इज एक्टिवेटिंग इवेंट, बी इज बिलीफ, सी इज कॉन्सिक्वेंसेज. सो एक्टिवेटिंग एनी एक्टिवेटिंग इवेंट इन आर लाइफ वर्क्स एज अ ट्रिगर फॉर अस एंड इट डेवलप द थॉट्स और बिलीव्स अबाउट दैट सिचुएशन और इवेंट एंड एज अ रिजल्ट इट हेल्प्स इन मेकिंग द कॉन्सिक्वेंसेज लाइक हाउ वी फील, वट आर वी डूइंग, हाउ वी आर बिहेविंग. सो बिलीफ या बी इज रिलेटेड टू ए एंड सी. सो ABC मॉडल वॉज क्रिएटेड बाई डॉक्टर एल्बर्ट एलिस एंड ही अज्यूम दैट बी लिंक्स ए एंड बी. बी इज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट बिकॉज CBT फोकसेज ऑन चेंजिंग बिलीफ दैट इज बी इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज दैट इज सी. The goals of CBT are to challenge the irrational thought situation by identifying the cognitive traps, help the patient to identify less threatening alternative and test it in real world, to finally effect profound and lasting change in underlying belief system of the client rather than simply eliminating the presenting symptoms, and to make the client equipped with self-help techniques that enable coping in long-term future. सो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो हम CBT का मानते हैं वो ये है कि हमारे इरेशनल थॉट्स या इरेशनल बिलीफ जो भी डेवलप हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उन पे काम करना और उनको चेंज करना. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CBT आर इट इज़ अ ब्रीफ एंड टाइम लिमिटेड थेरेपी. इट इज़ स्ट्रक्चर्स डायरेक्टिव एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड. इट इज़ कोलेबरेटिव एफर्ट बिटवीन थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट एंड रिक्वायर अ साउंड थेरेपेटिक रिलेशनशिप. The clients are guided to discover new ways of thinking for themselves with specific questions, and it focuses on present beliefs and past cannot be changed, but the way we think about the past can be changed.
सो मेन कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि ये बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड थेरेपी है और इसमें थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में एक बॉन्डिंग होना, रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो साथ में मिल के काम करते हैं। और इसमें हम बेसिकली फोकस करते हैं कि उन ट्रैप्स को पकड़ा जाए और थेरेपिस्ट क्लाइंट की हेल्प से ही कोशिश करता है कि उसके जो भी प्रॉब्लमेटिक थॉट्स हैं, जो भी इलॉजिकल जो एरर्स उसकी थिंकिंग में आ रहे हैं, उनको वो दूर कर सके। और हम ये मानते हैं कि पास्ट जो है वो चेंज तो नहीं हो सकता, लेकिन पास्ट के जुड़े हुए जो हमारे इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो बिलीफ हमारे बन गए हैं जो कि गलत हैं, उनको जरूर चेंज किया जा सकता है। सो टाइप्स ऑफ CBTR, सम ऑफ द कॉमन टाइप्स आर बैक्स कॉग्निटिव थेरेपी, रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी REBT और RET, स्ट्रेस इनोकुलेशन थेरेपी एंड मल्टी मॉडल थेरेपी। टुडे वी आर ओनली डिस्कसिंग बैक्स कॉग्निटिव थेरेपी एंड रेशनल इमोटिव थेरेपी। सो REBT, इट वॉज डेवलप्ड बाय एल्बर्ट एलिस इन अर्ली 1950s एंड इट इज़ अर्लियर नोन एज रेशनल इमोटिव थेरेपी, बट लेटर इट वॉज नेम्ड एज रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। इट फोकस ऑन रिजॉल्विंग इमोशनल एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स। द गोल ऑफ द थेरेपी इज टू चेंज इरेशनल बिलीफ टू मोर रेशनल वंस। एंड REBT इनकरेजेस अ पर्सन टू आइडेंटिफाई द जनरल एंड इरेशनल बिलीफ, दैट इज आई मस्ट बी परफेक्ट और आई शुड बी लाइक दिस और दैट, एंड चैलेंजेस दैट दीज False beliefs through reality testing, like you are not worthless, if you are not perfect, nobody is perfect, it's okay to not to be perfect. सो REBT बेसिकली क्या करती है कि हमारी जो भी इरेशनल बिलीव्स होते हैं उनसे हमें अवगत कराती है, यानी कि जो भी पेशेंट है उसके जो भी बिलीव्स अपने लिए नेगेटिव बन गए हैं या फिर दूसरे लोगों के लिए नेगेटिव बन गए हैं, उनसे उसको अवगत कराएगी और उसके बाद कोशिश करेगी कि आप उसको चेंज करें, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करें और उसको चेंज करें। तो फोकसेस ऑन द चेंजिंग प्रोसेस ऑफ इलॉजिकल बिलीव्स। नाउ बैक्स कॉग्निटिव थेरेपी, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी। सो एरन बक बैक इन 1967 इंट्रोड्यूस कॉग्निटिव थेरेपी एंड इट हेल्प्स क्लाइंट्स टू रिकॉग्नाइज नेगेटिव थॉट्स एंड एरर्स इन लॉजिक दैट कॉजेज दैम टू बी डिप्रेस्ड। लेटर इट वॉज नोन एज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। The therapist also guide client to question and challenge their dysfunctional thoughts, try new interpretation and ultimately apply alternative ways of thinking. And it identified three mechanisms that he thought were responsible for depression. These are cognitive triad, which is of negative automatic thinking and negative self schemas, errors in logic, which means faulty information processing. So cognitive triad looks like it works on three characteristics of our behavior, like thoughts, feelings and behavior. अगर हम देखें कि हम ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अपने बारे में कोई नेगेटिव विचार अगर बनते हैं तो वो नेगेटिव विचार उसको प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में नेगेटिव विचार बनाने में फोर्स करते हैं, और वो प्रेजेंट के बारे में बने हुए नेगेटिव विचार उसको फ्यूचर के बारे में भी नेगेटिव विचार बनाने के लिए फोर्स करते हैं। सो कॉग्निटिव ट्रायड में हम ये देखते हैं कि हम जो हमारे नेगेटिव व्यूज अबाउट वन सेल्फ विल रिजल्ट इन नेगेटिव व्यू अबाउट द प्रेजेंट एंड इट विल रिजल्ट इन नेगेटिव व्यू अबाउट द फ्यूचर एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू लाइक दिस। सो आर थॉट इफेक्ट आर बिहेवियर एंड बिहेवियर इफेक्ट आर फीलिंग्स। एज पर बैक्स कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मतलब हम जो हमारे जो संज्ञान में जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी डिस्टॉर्शन होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, जिसमें कि कुछ इस तरीके से उन्होंने दिए थे। फर्स्ट इज आर्बिट्री इन्फ्रेंस, यानी कि हमारे लाइफ में जो भी इवेंट होते हैं, जो भी सिचुएशंस होती हैं, उनके विषय में हम कुछ भी अनुमान लगा के एक इन्फ्रेंस बना लेते हैं और वो इन्फ्रेंस कई बार गलत होता है, जिसकी वजह से हमें परेशानियां होती है, जिसको इन्होंने आर्बिट्री इन्फ्रेंस कहा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको रास्ते चलते नहीं देखा, आपको लगा कि उसने उसे इग्नोर आपको इग्नोर किया है, तो आपको लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं करता या ये मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हो सकता है कि वो सिर्फ रास्ते से गुजर रहा था, उसकी आप पर नज़र नहीं पड़ी। तो हमने क्या किया, आर्बिट्री इन्फ्रेंस बना लिया एक। देन इज मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन यानी कि छोटी सी चीज़ को बड़े रूप में देखना, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं तिल का ताड़ बना देना। तो मैग्नीफिकेशन में व्यक्ति क्या कर रहा है, वो किसी छोटी सी घटना को बहुत बड़ा बना के देख रहा है, जो कि इतनी ज़्यादा बड़ी है भी नहीं। मिनिमाइजेशन में व्यक्ति क्या करता है, छोटी जो बड़ी चीज़ें होती हैं उनके एक छोटे पहलू को देखता है या उसको बहुत मिनिमाइज फॉर्म में देख रहा होता है।
सेलेक्टिव थिंकिंग में वो सिर्फ किसी बड़ी घटना के कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही सोच रहा होता है, बाकी पहलुओं को वो इग्नोर कर रहा होता है। ओवर जनरलाइजेशन में एक घटना के आधार पर जो भी परिणाम होते हैं उनको वो बाकी घटनाओं पे भी ओवर जनरलाइज कर देता है। यानी कि जैसे मान लिया कि किसी ने आपको कह दिया कि आप अच्छे नहीं दिखते हैं, तो उसकी वजह से उसे लगता है कि अब मैं अच्छा नहीं दिखता, किसी को भी मैं अच्छा नहीं दिखता, जबकि हो सकता है कि बाकी लोग उसे सही अच्छा देखते हो, अच्छी नज़रों से देखते हो। देन इज पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में व्यक्ति क्या करता है कि हर घटना को अपने ऊपर लाने की प्रयास करता है, मतलब उसे लगता है कि हर कोई चीज़ मेरे लिए हो रही है, ये मेरे से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होते हैं और इन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के बेसिस पे ही हमारी जो बिहेवियर है वो इफेक्ट होता है। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में कुछ टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है, इसलिए इसको बिहेवियर थेरेपी नाम यहाँ पे रखा गया है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, क्योंकि संज्ञान से जुड़ी हुई तो है लेकिन इसमें बिहेवियर टेक्निक्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है, इसलिए इसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोला जाता है। हाँ, बिहेवियर थेरेपी में कुछ कमियाँ रही थी, जिसमें ये माना जाता है कि बिहेवियर थेरेपी में सिर्फ व्यवहारात्मक पक्षों को लिया गया और उसमें संज्ञानात्मक पक्षों को इग्नोर किया गया, यानी कि संज्ञान के कोई भी पहलू को वहाँ पर महत्व नहीं दिया गया था। इसीलिए संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा ने संज्ञान और व्यवहार दोनों को मिलाते हुए संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा दी, जिसको काफी महत्व दिया जाता है। तो आज इसकी जो कॉमन टेक्निक्स हैं वो है कॉग्निटिव रिहर्सल। द थेरेपिस्ट आस्क द पेशेंट टू रिकॉल अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ऑफ द पास्ट एंड द थेरेपिस्ट एंड पेशेंट बोथ वर्क टुगेदर टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉग्निटिव रिहर्सल वेयर द थेरेपिस्ट एंड पेशेंट बोथ वर्क टुगेदर। अनदर इज वैलिडिटी टेस्टिंग। द थेरेपिस्ट आस्क द पेशेंट टू डिफेंड हिज फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स विद ऑब्जेक्टिव एविडेंसेज। द फॉल्टी नेचर और इन वैलिडिटी ऑफ द बिलीव्स ऑफ पेशेंट एक्सपोज इफ ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस। जो भी आर्बिट्री इन्फेरेंस पेशेंट ने बनाए होते हैं उनकी उसके पास कोई वैलिडिटी नहीं होती है, कोई ऐसा सबूत उसके पास नहीं होता जिससे वो उसको प्रूफ कर सके। तो जब उसको लेके बातचीत की जाती है, उसकी वैलिडिटी टेस्टिंग की जाती है, तो लास्ट में पेशेंट को लगता है कि मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है और वो अपने बिलीव्स पे चेंज कर पाता है। राइटिंग जर्नल। सो CBT ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ राइटिंग जर्नल, मेंटेनिंग अ डिटेल्ड डायरी विच नोट्स एवरी इमोशन, थॉट्स एंड बिलीव। द थेरेपिस्ट एंड द पेशेंट लेटर कलेक्टिवली एक्सेस द डायरी और जर्नल टू एनालाइज हाउ दे एक्चुअली अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। तो जितने भी इवेंट्स उसकी लाइफ में हो रहे होते हैं उस टाइम पे, तो उससे जुड़े हुए इमोशंस और थॉट्स के लिए उसको जर्नल राइटिंग के लिए फोर्स किया जाता है या बोला जाता है, मोटिवेट किया जाता है, जिससे कि उसके जो इमोशंस हैं उनको एनालाइज किया जा सके कि कब कौन से इमोशन हो रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ कौन सा बिहेवियर हो रहा है। अनदर इज गाइडेड डिस्कवरी वेयर द पेशेंट बिकम अवेयर ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर एंड बेस्ड ऑन दैट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कैन बी चेंज। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट इन विच कॉग्निशन कैन बी चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय पॉजिटिव इंकरेजमेंट एंड स्मॉल रिवॉर्ड्स। तो जैसे जैसे पेशेंट जो है वो कॉग्निटिव इम्पॉर्ट अपने जो डिस्टॉर्शंस हैं इनको इम्प्रूव करता है, तो वैसे वैसे उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट किया जाता है, जो कि बिहेवियर थेरेपी का एक पार्ट है और उसके बेसिस पे वो अपने बिहेवियर में ज़्यादा बेहतर तरीके से चेंजेस लाने लगता है। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस इट ऑल्सो इंक्लूड अवर्जिव कंडीशनिंग, मॉडलिंग, होमवर्क्स एंड वेरियस अदर बिहेवियर टेक्निक्स। सो इन दिस वे इन टूडेज लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इट्स ब्रीफ हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, गोल्स, पर्पज, करेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, सम टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड टेक्निक्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर। थैंक यू।